तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आप सभी ये जानते होंगे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो रिएक्शंस होती हैं वो दो तरीके की रहती हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पर कोई भी सब्सटेंस जो है उसकी सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं, यानी कि वहां पर वो नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म करता या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होती। तो देखते हैं एग्जाम्पल, पानी को अगर हम हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में, और साथ ही अगर हम पानी को फ्रीज कर देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि इन रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड है वो हमेशा H2O रहने वाला है, और यहाँ पर सिर्फ उसकी स्टेट्स चेंज होती हैं, यानी वो लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड या फिर कभी कभी सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट होता है, पर कभी भी ये रिएक्शंस में कोई नया सब्सटेंस वाटर से फॉर्म नहीं होगा। ऐसी रिएक्शंस जहां पर सिर्फ फिजिकल स्टेट्स चेंज होती हैं, साइज चेंज होता है, शेप चेंज होती है, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शंस, और ये रिएक्शंस रिवर्सिबल भी होती हैं। वहीं अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर कोई भी कंपाउंड जो होता है जब वो रिएक्ट करेगा तो अपनी वो केमिकल प्रॉपर्टीज को खो देता है और एक नया कंपाउंड बनाकर नई केमिकल प्रॉपर्टीज को वहां पर शो करता है, और ऐसी रिएक्शंस जो होती है वो इरिवर्सिबल रहती हैं। ऐसी रिएक्शंस के अंदर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आया है उसको हम वापस से किसी भी कंडीशन के अंदर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर फॉर्मड और ब्रोकन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शंस कब होती हैं? जब इन कंपाउंड्स के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में वो या तो फॉर्म होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं ताकि वहां पर एक नया प्रोडक्ट को फॉर्म किया जा सके। तो एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पर दिखाया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म कर देता है बेरियम सल्फेट जो कि एक बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है और साथ ही वाटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो रिएक्टेंट्स थे वो एकदम अलग थे, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं वो रिएक्टेंट से एकदम अलग हैं। यहाँ पर जो भी ये नए कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम से पूरी तरह चेंज हो गई है, और ऐसे ही टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन का, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चलती है। स्टार्च के साथ जब भी पानी रिएक्ट करता है यानी कि वाटर, तो वो वहां पर ग्लूकोज फॉर्म कर देता है। स्टार्च और ग्लूकोज एकदम ही अलग अलग कंपाउंड्स हैं, यानी कि इस रिएक्शन में एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ है, तो ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं और वहां पर एंजाइम्स की जरूरत रहती है इन रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए। अगर हम बात करें रेट का किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस के अंदर, तो वो रहता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल रिएक्शन का जो रेट रहता है वो होता है कि कितना प्रोडक्ट वहां पर फॉर्म हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो डेल्टा पी और डेल्टा टी है, वहां पर ये पी रहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टी रहता है टाइम, यानी कि रेट यहाँ पर होगा चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कि कितना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसे ही हम कहते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट। अब ये जो रेट होता है किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का वो इन्फ्लुएंस रहता है बहुत सारे फैक्टर्स से। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है टेम्परेचर, जो कि किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस के रेट को अफेक्ट करता है। तो जनरल थंब ऑफ रूल ये रहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे अफेक्ट होता है टेम्परेचर से। अगर वहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। अगर टेम्परेचर वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन हाफ में रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही मजेदार बात देखने को मिलेगी, जो कैटलाइज रिएक्शंस होती हैं उनका रेट बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, और वहीं अगर हम अनकैटलाइज रिएक्शन को देखें तो वहां पर रेट काफी हद तक लो रहता है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं?
एग्जाम्पल के तौर पर हमारे सामने ये एक रिएक्शन हम देख पा रहे हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये रिएक्शन जब नॉर्मली चलती है तो यहाँ पर एक घंटे के अंदर सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 ही फॉर्म हो पाते हैं, यानी कार्बोनिक एसिड के यहाँ पर सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स एक घंटे में फॉर्म होंगे। तो ये इसका रेट रहता है जब यहाँ पर कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं करता। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एंजाइम जो कि है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो स्पेसिफिकली इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, तो जब वो एक्शन में आता है तो यहाँ पर जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब रिएक्शन कुछ इस तरीके से चलती है कि एक सेकेंड के अंदर यहाँ पर 600,000 H2CO3 के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है वो अराउंड 10 मिलियन टाइम्स यहाँ पर बढ़ चुका है, जो कि इनक्रेडिबल है। तो आप देख सकते हैं कि एंजाइम्स कितने ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज कराने में। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि एंजाइम्स का रोल हमारी बॉडी के अंदर कितना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जिस रेट से ये रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं जो कि हमारी बॉडी को एक सही तरीके से काम करने में मदद करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे लाइफ प्रोसेस चलते हैं और वो सभी हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर मैनर और एक ऑर्डर में चलते हैं। तो ये सभी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं? ये इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो कि एक के बाद एक हर एक दूसरी रिएक्शन से जुड़ी रहती हैं, और इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हर चीज एक सिस्टमैटिक वे में चलती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर एक के बाद एक रिएक्शन जो है वो कैटलाइज होती है या तो एक सेम एंजाइम से या फिर डिफरेंट एंजाइम से, और इन्हीं को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। यही मेटाबॉलिक पाथवेज हमारी बॉडी के अंदर सभी लाइफ प्रोसेस को पॉसिबल कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो वहां पर एक मेटाबॉलिक पाथवे चलता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जहां पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है अलग अलग एंजाइम से। यहाँ पर बेसिकली 10 स्टेप्स रहते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, जहाँ पर हर स्टेप पर अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होता है और फाइनली ये ब्रेक डाउन होता है पाइरूवेट में, और इस रिएक्शन को यानी इस पर्टिकुलर पाथवे को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो इस टाइप के कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में आप और दूसरे चैप्टर्स में सीखेंगे, तो यहाँ से आप एक एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं कि एंजाइम्स जो है वो कितने ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे हर एक मेटाबॉलिक पाथवे के लिए। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि जो रेस्पिरेशन होते हैं वो दो तरीके के रहते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। और हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है नॉर्मल एरोबिक कंडीशन के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, और एनारोबिक की अगर हम बात करें तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है इन द केस ऑफ मसल सेल्स। तो यहाँ पर अब जो ये पाइरूवेट फॉर्म हुआ है इसके तीन तरीके के फेट्स हो सकते हैं, यानी ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है ये फर्दर तीन तरह के मेटाबॉलिक पाथवे से जुड़ा होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में इस पर्टिकुलर पाथवे के बाद एक दूसरा पाथवे यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा। अगर हम बात करें ह्यूमंस के माइटोकॉन्ड्रिया की तो वहां पर चलता है एक और मेटाबॉलिक पाथवे जहां पर इस पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ ही रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी। तो इस सभी प्रोसेस के बारे में आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी सीखेंगे। इसी तरह हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी बात की है जो कि हमें ईस्ट में देखने को मिलता है। तो वहां पर जो पाइरूवेट फॉर्म होता है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल या फिर अल्कोहल में, और साथ ही वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। तो ये जो एनारोबिक कंडीशन मिलती है वो हमें यीस्ट में देखने को मिलती है। हम ये सभी जानते हैं कि यीस्ट का काम आता है फर्मेंटेशन में, जहां पर हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं इस रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर जो भी ग्लूकोज है वो पहले पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। और वहीं जो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं बेकरी आइटम्स में,
यानी कि हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं बेकरी आइटम्स के अंदर, ताकि वहां पर जो पफिनेस है उन बेकरी आइटम्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल केक्स या फिर पेस्ट्रीज, तो उनके अंदर जो वो पफिनेस आती है वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वहां पर आती है। तो ये रहा दूसरे टाइप का पाथवे जो हमने देखा कि पाइरुवेट के बाद यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से हम एक और पाथवे देखते हैं जो अभी हमने पहले भी बताया था कि ह्यूमंस के अंदर नॉर्मल चलता है एरोबिक रेस्पिरेशन, साथ ही वहां पर मसल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो वो अपना मैकेनिज्म जो है मसल सेल्स वो शिफ्ट कर लेते हैं एरोबिक से एनारोबिक की तरफ, और वहां पर प्रोडक्शन देखा जाता है लैक्टिक एसिड का। तो ये आप मसल सेल्स देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो पाइरुवेट का पाथवे हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था, अब यहाँ से एक दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो गया जहां पर फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये लैक्टिक एसिड। और आप सभी ये जानते होंगे कि जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एकदम से बहुत ज्यादा पेन करने लगती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बॉडी ने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की और यहाँ पर मसल्स के अंदर पेन होता है। अब ये मसल्स में जो भी पेन हो रहा है, क्या आप जानते हैं ये मसल्स में क्यों पेन होता है? जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। हमने जो अभी बात की थी कि लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो इस तरीके से सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है, और यही जो है वो इतना ज्यादा विग्रस पेन कॉज करता है हमारे मसल्स के अंदर। इस पेन से रिलीफ पाने के लिए हम आइस पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं, या फिर हम मसाज कर सकते हैं उन पर्टिकुलर एरियाज की जहां पर हमें मसल पेन फील होता है। हमने अभी यहाँ पर क्या सीखा कि ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हुआ पाइरुवेट में एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, जिसे हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस, और ये पाथवे कनेक्टेड रहता है और दूसरे पाथवे से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे ह्यूमंस में हमने बात की थी कि वहां पर ऑक्सीजन होती है, जहां पर ये देखा जाता है कि जो वो पाइरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ह्यूमंस में देखी जाती है यानी कि मसल सेल्स के अंदर, वहां पर लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। और वही हमने देखा था कि ईस्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी रहता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में।